देखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो चलिए देखते हैं कि इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हमें निकालना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वेशन वन, अब हमने क्या बोला था x की जगह पे कितना रिप्लेस करना, x प्लस एच, तो यहाँ पे x की जगह पे x प्लस एच, तो इधर भी x की जगह पे x प्लस एच। अब देखिए बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल आपका क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब आप क्या कीजिए, एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का कीमत यहाँ से उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए, एफ एक्स का कीमत यहाँ से उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है, दोनों कट जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, ऊपर में एच नीचे में एच, एच एच कट जाएगा, क्या बचेगा वन। और आपको पता है कॉन्स्टेंट का लिमिट कितना होता है, कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब है कि एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, वन के बराबर। ओके अब आइए एक और हम एग्जांपल लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर एक्स, इसका भी डेरिवेटिव निकालना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फिर से वही करेंगे, पहले एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर में एक्स इक्वेशन वन, इसको कंसिडर कर लिए, उसके बाद एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स प्लस एच, तो जहां जहां एक्स है उसके जगह पे एक्स प्लस एच इक्वेशन सेकेंड। पहले ये दो इक्वेशन आपको जरूर निकाल लेना है, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब यहाँ से कीमत उठा के पुट कीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का कीमत कितना है, ई के पावर में एक्स प्लस एच, एफ एक्स का कीमत कितना है, ई के पावर में एक्स है। अब आपको पावर एंड इंडाइसेस आप लोग पढ़े होंगे, ए रेस टू दी पावर एम प्लस एन का मीनिंग क्या होता है, ए रेस टू दी पावर एम इंटू ए रेस टू दी पावर एन। तो पावर एंड इंडाइसेस का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको ब्रेक कर दिए, ई रेस टू दी पावर एक्स दोनों में से कॉमन निकाल के बाहर कर दिए, बाहर आ गया, तो बचेगा कितना, ई रेस टू दी पावर एच, यहाँ पे क्या बचेगा वन, नीचे में क्या बच गया एच। अब देखिए यहाँ पे लिमिट किसका दिया हुआ है, एच का, तो जिसका आपको लिमिट दिया हुआ है वही आपका वेरिएबल होगा, इसका मतलब है कि e के पावर में एक्स कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट हमेशा लिमिट के बाहर, तो e रेस्ट डी पावर एक्स को बाहर कर दिए, तो बचेगा क्या, लिमिट h टर्निंग टू जीरो e रेस्ट डी पावर एच माइनस वन अपॉन एच। और बेटे ये ऑलरेडी आप लिमिट में पढ़ चुके हैं, लिमिट एक्स टर्निंग टू जीरो e के पावर में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है वन, तो इसका कीमत कितना हो जाएगा वन के बराबर, आगे में e के पावर में एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर में एक्स इंटू कितना हो जाएगा वन, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए e के पावर में एक्स है, तो e के पावर में एक्स का डेरिवेटिव e के पावर में एक्स है, तो ये आपका आ गया e के पावर में एक्स का फॉर्मूला।